प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे हैं। आपको पता होगा कि उनके तमाम बयान ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो लगातार विवादों में भी रहे हैं और इसी वजह से उनकी मुश्किलें भी लगातार कभी कभी बढ़ती रही हैं और फिलहाल उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कभी बम से उड़ाने की धमकी मिलती है तो कभी उन्हें गोली मारने की धमकी मिलती रहती है। फिलहाल ताज़ा खबर ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उनके लिए एक चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी देवेंद्र तिवारी के घर पर भेजी गई है। देवेंद्र तिवारी वो शख्स है जिन्होंने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ PIL डाली थी और उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली है। वो चिट्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और लगातार इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है और ये चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी के लिए लिखी गई है और बैग में भर कर ये चिट्ठी देवेंद्र तिवारी के घर पर भेजी गई थी, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी जिन्होंने अवैध बूचड़खाने के खिलाफ PIL डाली थी उन्हें जान से मार दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। और ये खबर जैसे ही आई उत्तर प्रदेश प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल NCR की पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की जो धमकी मिली है वो बहुत ही बड़ी खबर है। वैसे लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले भी योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी, पिछले साल भी ऐसी धमकी मिली थी, लगातार उन्हें ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं जिसके चलते उनकी सुरक्षा भी टाइट की जाती है। वैसे वो सूबे के मुखिया हैं तो उनके पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब खबरें ऐसी आती हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सावधानी बरती जाती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम ऐसी खबरें भी आई जिसमें पीएम मोदी को, अमित शाह को आदि को भी इसी तरह जान से मारने की धमकी मिलती रही है, लेकिन हर बार प्रशासन इन सब चीजों पर काबू पा लेता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्रशासन, दिल्ली NCR इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या ये आरोपी गिरफ्तार होते हैं या नहीं। वैसे इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।